अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, चीज रीड करते हैं, रियल हिस्ट्री देखते हैं, बंगालियों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हम लोगों ने, बीइंग अ पंजाबी, मैं सीधी सी बात करूंगा, पंजाब वालों ने बंगालियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, ठीक है। जो कुछ हुआ, हमारे जो जनरल्स थे एट दैट टाइम, उन्होंने क्या किया था, जनरल याह्या खान या जनरल नियाज़ी जो थे, सबको पता है, ठीक है। अभी जो कुछ हो रहा है उधर बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी सारा रोल आर्मी का ही है। इंडिया तो हमेशा से ये चाहता है कि हमारे, और जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लख्त हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाए, क्योंकि हमारा तो बलूचिस्तान पार्ट एंड पार्सल है, हमारा सब कुछ तो बलूचिस्तान आता है। जैसे आपको पता है कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है, हमारी सारी मादनियात बलूचिस्तान में है, सुई गैस, गैस भी वहीं से निकलती है, सब कुछ उधर से। इंडिया को भी चाहिए कि वो अपने इंडिया के बारे में ही सोचे, क्योंकि वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो एक्टिव हैं, और इंडिया को, नरेंद्र मोदी को चाहिए कि पहले वहाँ पर अपने आप पे फोकस करे, वहाँ पर अपनी जो मूवमेंट्स हैं उन पे वर्क करे, और जो हो वहाँ पर देखे ना, वहाँ पर ही बहुत सारे तबकात हैं जो कि जिनको राइट्स नहीं मिल रहे। हमने बांग्लादेश अलहदा होते हुए देखा हुआ है, ठीक है, हमारे बड़ों ने देखा, मुझे नहीं लगता हम बलूचिस्तान को भी इस तरह अलहदा होते देखेंगे। अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया को कुछ नहीं कर सकता ना, तो बाकी पूरी दुनिया मिलके भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। अगर हम चाहेंगे अलग होने देंगे, ये बड़ी क्लियर बात है, अगर हम नहीं चाहेंगे ना, तो इंडिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, या पूरा नेटो, यूएन, जो मर्जी हो, हमारे साथ कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग इटसेल्फ एक न्यूक्लियर स्टेट है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम भारत पहुंच गई, और भारत जाकर उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि यूएन में उन्हें सपोर्ट किया जाए। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, और जानेंगे कि पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि भारत अब बलूचिस्तान के लिए क्या करने वाला है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम का इस मुद्दे पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? कामरान रशीद। क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर, बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम जो हैं वो इंडिया पहुंच गई हैं, और वहां जाकर वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मदद मांग रही हैं कि यूएन में उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और उन्हें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, इंडिया की तो हमेशा से ही कोशिश रही है पाकिस्तान के किसी ना किसी तरीके से उसको सेपरेट किया जाए, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का किस्सा हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, और वो एक किस्म, एक किसी तरह बलूचिस्तान का भी हिस्सा आता है। इसी तरह वो हमारी हैं, वो पहले इधर पाकिस्तानी थी, एग्जाइल कर दिया उसको, मखल में अब कनेडियन है, शायद यूएसए में है, तो वो इंडिया से मदद मांग रही हैं। इंडिया भी पहले, ये इंडिया तो हमेशा से ये चाहता है कि हमारे, और जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लख्त हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाए, क्योंकि हमारा तो बलूचिस्तान पार्ट एंड पार्सल है, हमारा सब कुछ तो बलूचिस्तान आता है। जैसे आपको पता है कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है, हमारी सारी मादनियात बलूचिस्तान में है, सुई गैस, गैस भी वहीं से निकलती है, सब कुछ उधर से। तो क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के वो सूबे जहाँ पर पाकिस्तान का सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो तेल हो। आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, आपको बलूचिस्तान में हमारे पास सोने के जखायर भी हैं, वो मकाम है, रिकॉर्डिंग का मकाम है, तो इसलिए इंडिया भी चाहता है कि वो हमारे पास आ जाए। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है, इसी तरह आज़ाद है जम्मू कश्मीर है, क्योंकि हमारे सारे दरिया जो है मेनली बेसिस उनकी आज़ाद कश्मीर उधर ही है। देखिए, पंजाब को क्यों नहीं कहते? बिकॉज पंजाब में कुछ है ही नहीं, पंजाब में सिर्फ वो अपना मैदानी इलाके हैं, तो गंदम वगैरह या चावल वगैरह हो जाती है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ तो इधर है। इसी तरह 110% चांसेज हैं एज़ पर माई ओपिनियन कि वो इंडिया उसको साथ देगा, वेदर इट वुड बी यूएन, यूनाइटेड नेशंस, और चाहे और जनेवा हो या कुछ और हो या कोई और कैसी हो, तो इंडिया डेफिनेटली उसका साथ देगा पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से हट करने के लिए। सर, आपने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मदनियात के हवाले से वो बड़े ज़रखाइज़ रखता है, वहाँ पर सोना, चांदी, गैस जैसे ज़रखाइज़ मौजूद हैं, लेकिन सर उसके बावजूद भी बलूचिस्तान में डेवलपमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि देखें, बलूचिस्तान और सिंध इसलिए डेवलप नहीं हो पा रहे, सिंध में तो बेहतरी आ रही है, बलूचिस्तान में इसलिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे चलता है सिस्टम वडेरा निज़ाम चलता है, वहाँ पे लोग अपना एजुकेशन भी इतनी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू पंजाब और के पी के में, जब से इमरान खान आया उसने बेहतरी लेके आया के पी के में, ठीक है। अभी सिंध में भी वही पीपल पार्टी का सिस्टम चल रहा है, और बलूचिस्तान में तो हमें पता नहीं है, हमेशा से वही मखलूत हुकूमत बनती है, इसलिए वहाँ डेवलपमेंट नहीं आ सकती कभी भी, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है।
अब तो सिंध में तो और ज़रा थोड़ी सी अवेयरनेस हो गई है। सर अवेयरनेस तो एजुकेशन से आएगी ना, जब एजुकेशन नहीं है ना, वही मैं आपको कह रही हूँ। मैंने बहुत सारे बलोचियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, वो यही बात करते हैं कि हमें वहाँ पे हमारे बेसिक राइट्स ही नहीं दिए जाते। आप देखें कि जिस बलोची का आप जिक्र कर रही हैं, जिसका भी करेंगे, उस बलोची का बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा होगा या किसी यूनाइटेड नेशंस की या यूरोप में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा, वो खुद तो पाकिस्तानी बच्चों को यहाँ पढ़ने नहीं देते हैं। यहाँ स्कूल, यहाँ गोस्ट स्कूल बने हुए हैं, यहाँ पर सैलरियाँ तो आ रही है लेकिन वहाँ पर कोई टीचर नहीं है या कुछ स्कूल चलते नहीं है। वो खुद तो उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे लेकिन उन अपने जो उनके अपना वहाँ इलाकों के बच्चे हैं, वहाँ पे जो स्कूल है, ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं, तो कभी भी नहीं ठीक हो सकती। आज से 75 साल हो गए हमें, हमारी चीज़ें नहीं ठीक हुई। आप लिख लें बात, आइंदा 75 साल में भी चीज़ें ठीक नहीं होगी अनटिल अनलेस कोई ये सिस्टम ना ख़त्म हो या कोई वहाँ पर आए। सर इसीलिए तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं और हमें आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ उन्हें बेसिक राइट्स ही नहीं मिल रहे। अब आपने बात की बलूचिस्तान के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की, तो आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी यही स्टेटमेंट है कि यहाँ से हमारे वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, पानी का इस्तेमाल करते हुए बिजली तो बना ली जाती है लेकिन वही बिजली हमें नहीं दी जाती। फिर आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की तो वहाँ पर भी सेम मसाइल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग कैसे देखें, इतनी ठंड में जो है प्रोटेस्ट करते सड़कों पे नज़र आते हैं कि हमारे वसाइल इस्तेमाल करते हुए, हमारे ज़रख़ाज़ इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के बाकी सूबों को फैसिलिटेट तो किया जाता है लेकिन हमारे बच्चे ना पढ़ पाते हैं, ना यहाँ पे रोज़गार के मौके हैं, ना यहाँ पे गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम लोग इन सूबों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। हम तो जब से हम मार्ज वजूद में हैं हम कर रहे हैं सब, बिल्कुल 100% मैं एज़ पर माई ओपिनियन बात बिल्कुल ठीक है। हम कैसे जाती कर रहे हैं ना, हमको डेवलपमेंट फंड तो मिलता है ये NFC अवार्ड के तहत, उनके पास पैसों तो जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। सिंध के पास अपने पैसे जाते हैं, पंजाब बलूचिस्तान के पास अपने जाते हैं, पंजाब के अपने आते हैं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के पास भी जाते हैं। लेकिन उनके अगले बंदे डेवलपमेंट करें तो फिर है ना। आप देखें जम्मू कश्मीर जो है, जो हमारा जिसको हम अपनी शहर कहते हैं और इंडिया उसको अपनी टूटा कहता है, वो तो 2-4 बंदे कह रहे होंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो भी नहीं चाहते हम पाकिस्तान के साथ, ना वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं ना वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। बिकॉज इसलिए क्योंकि वो उनको पता ही पाकिस्तान के हालात क्या हैं, पाकिस्तान अभी तक हम आपके सामने हैं क्या हालात हैं। जम्मू कश्मीर में देख लिया आपने, इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट कर दी है, डैम्स बन रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है उन्होंने वहाँ पे बना दिया, IT हब्स बन रहे हैं, वहाँ पे जॉब्स हब हो रहे हैं, मतलब लाइक हर तरह की डेवलपमेंट हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है जो कि यहाँ पंजाब में नहीं है। आप ये पंजाब में तो चलें फिर कुछ ना कुछ है, लाहौर के भी देख लें CBD अंडरपास बना है उसका क्या हाल हुआ है। आप मैं सिंध का चक्कर लगा के आया हूँ, आप सिंध का अंदाज़ा करें, गढ़ी खुदाबख्श जहाँ पे वो बेनज़ीर भुट्टो का मज़ार है, उसके अलावा आप देख लें इतने करोड़ों इतने अरबों रुपए के वहाँ पे फंड्स जारी हुए हैं लेकिन इतना गंद है वहाँ पे, जिस तरह कूड़ा कड़के की रूढ़ी नहीं होती जिस तरह वो वाला साहब है, तो ऐसी चीज़ें नहीं ठीक हो सकती अनटिल अनलेस कोई यहाँ। हम देखो एक कहते हैं ना कि अगर चीज़ें ठीक करनी है ना पहले खुद को ठीक करो, जब हम खुद को नहीं ठीक करेंगे तो आगे से हमारे सिस्टम ऐसे चलेंगे। बस ये है कि अल्लाह पाक दुआ करें कि इमरान खान अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, वही हमारे लिए मसीहा है। बाकी और कुछ नज़र नहीं आ रहा, कितने सालों से हम जरदारी शरीफ व ख़ानदान को भुगत रहे हैं, 15-16 साल हो गए हैं पीपल पार्टी सिंध में है, कितने साल हो गए पंजाब में है। अब हमेशा यही कहते हैं इलेक्शन के टाइम पर एक दफ़ा और बुला लो, एक दफ़ा और बुला लो। आपका नाम? खुबैब फेरोज। क्या करते हैं? मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ। मैं BBA का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है कि बलूचिस्तान के एग्जाइल PM जो है वो भारत पहुँच गई हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमें हेल्प किया जाए, UN में हमें सपोर्ट किया जाए, हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। क्या कहेंगे आप? बेसिकली देखें बात पता कि अभी जो उन्होंने बात की है ना वो ठीक तो नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ हैं और फिर आप एक ऐसी जगह पर जाके बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया में बात कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके उनके साथ किस किस्म के रिलेशन्स हैं। लेकिन समहाउ अगर देखा जाए तो इधर इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी था कि क्योंकि अभी देखा जाए अभी हमें 50 साल हो गए हैं, बांग्लादेश वाला हमारे सामने है सब कुछ, उन लोगों के भी यही इशूज़ थे बेसिकली कि हाँ ठीक है उन लोगों के साथ जो सलूक होता था, हमें सिर्फ आज तक वही मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया कि नहीं जी बंगालियों ने ये कर दिया वो कर दिया। बट अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, चीज़ रीड करते हैं, रियल हिस्ट्री देखते हैं, बंगालियों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हम लोगों ने बींग पंजाबी मैं सीधी सी बात करूँगा, पंजाब वालों ने बंगालियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। ठीक है, जो कुछ हुआ हमारे जो जनरल्स थे एट दैट टाइम उन्होंने क्या किया था, जनरल याया खान या जनरल नियाजी जो थे सबको पता है। ठीक है,
अभी जो कुछ हो रहा है उधर बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी सारा रोल आर्मी का ही है, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है। जो टॉप अभी स्मगलिंग उधर इतनी ज़्यादा हो रही है, और आपका ऑयल पेट्रोल जोन से स्मगल हो रहा है आपका सारा, ये आपके जोन से अब रिटायर्ड ISI के चीफ हुए हैं, सारा उनका स्कैंडल था बीच में, अब आपके जो आसिफ गफूर हैं, आपके जो DG आई थिंक अब कुछ थे, ठीक है, बीच में सारे कह रहे हैं उनका सारा हाथ है। हमारा पाकिस्तान की आर्मी जोन सी है, अगर आर्मी ना होती तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। आर्मी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है आर्मी, पर आर्मी को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान में 1947 से लेके अब तक हमारा एक भी वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी नहीं कर सका, किस लिए? हमारी आर्मी कोई भी ऊपर आने लगता है उसे रोक लेते हैं। आर्मी एक आता है, आप स्टडी करके आते हो PMA में से, आप फिर प्रमोशंस होते हैं, एक जो लीडर होता है वो अवाम के अंदर से निकलता है, वो बाद में अलग बात है कि अब 1992 में हम जैसे ले लेते हैं, नवाज शरीफ आया, ठीक है, नवाज शरीफ ने लेके आया कि हमने पाकिस्तान को तरक्की देनी है। जब 1993 में उसकी हुकूमत को गिराया, उसने कहा खसमान उखाड़ है सारे, सानू की फायदा हो रहे हैं, वो भी फिर करप्ट बन गए। उसके बाद आप देख लें बेनज़ीर आई, बेनज़ीर ने पहले आके मुल्क आपका लेके जाना है जी, ऊपर लेके जाना है, उसके बाप के साथ जो किया कहाँ पे तरक्की इन्होंने करनी है। उसके बाद जब खान को आया, खान अगर देखा जाए एशिया का सबसे पॉपुलर लीडर है अब, ठीक है, और उसके साथ देख लें क्या कर रहे हैं, 9 मई के वाकयात की हर दूसरे दिन कोई बंदा आ जाता है प्रेस क्लब में, उधर आके कॉन्फ्रेंस करने लग जाता है, जी हम 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं। भाई कहाँ से मजम्मत करते हो? आपका राइट है, एक लीडर आपके अंदर से निकल के आया, आप प्रमोशंस लेके नहीं आया, आप उसको अंदर करी जा रहे। बात है एक बड़ी सिंपल सी है, कोई भी अब जैसे करंटली ये चल रहा है जो बलूचिस्तान में चल रहा है, सेम इसी तरह से पश्तूनों के भी ये मसले हैं, ठीक है, और उसके अलावा सिंध में भी ये चीज़ है, सिंध में ज़रा वडेरा कल्चर है, उनको ज़रा वो सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। बलूचिस्तान में 2007 में नवाब अकबर भुट्टी को कत्ल किया इन्होंने, वो दिन और आज का दिन बलूचिस्तान में ऐसी आग लगी है, वो दोबारा इनके काबू में आई नहीं। सेम ये वही चीज़ आप पंजाब में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, KP में करना चाह रहे हैं, इनको पता है कि खान इज़ अ पॉपुलर लीडर। अब खान के साथ जिस किस्म के ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो अल्लाह की तरफ से उसको बचा लेता है। अभी तक खान की एक बात सच्ची निकली, कल ख्वाजा आसिफ ने बैठ के मंसूर के साथ प्रोग्राम में यही बात किया कि जी हमें तो फर्स्ट 9 मंथ्स में कह दिया था जी पहले आप पंजाब ले लें और दिसंबर के अंदर आप हमारे से वफाक की बात कर लें, लेकिन उस वक्त हमने मना कर दिया। फिर आज उसने कहा जी नवाज शरीफ साहब ने तो हमें कहा था कि बाजवा साहब को आपने देनी है एक्सटेंशन का वोट। तो ये सारे जब पहले ही ऑल टू ऑल देखा जाए बैक ऑफ द स्टोरी, बैक ऑफ द पिक्चर में आर्मी खड़ी होती है, वही है, लाइक दे आर प्लेइंग लाइक ये सारे आगे पपेट्स हैं और वो मास्टर पीछे वो है, तो वो इनके साथ। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो 5 धड़ों में बट गया हुआ है? पाकिस्तान के हर सूबे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान के साथ साथ आप गिलगित बल्तिस्तान देख लें, आप आज़ाद कश्मीर देख लें, बांग्लादेश हमसे पहले अलग हो चुका है। आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड हो? हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कोई भी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता, सब कह रहे हैं कि हमें अलग कर दो। इन सब मसलों का हल एक ही है, आर्मी पॉलिटिक्स से दूर हो जाए। हम ये नहीं कहते हर मुल्क को आर्मी की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिन मुल्कों के पास आर्मी नहीं है आपने उनका हाल देखा है, पर आर्मी पॉलिटिक्स में नहीं इंटरफेयर करे अपना। अगर हम गलती, इन शॉर्ट गलती हमारी सिर्फ ये है, हम गलत साइड पर आ गए, हमें जाना बांग्लादेश वाली साइड पर था, इस साइड पर सारा DHA बनना था, गलती से हम DHA में आ गए और उस साइड पर ओरिजिनल पाकिस्तान होना था, बस हमारी गलती ये है। अभी भी आप देखें आर्मी अपने बिजनेस चला रही है, मुल्क का 75% अपना बजट ले रही है ऐसी है, और अपने अंदर भी बिजनेस चला रही है, आर्मी के अंदर भी बिजनेस होता है, आपके जो वेपन्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, आप अगर देखा जाए अगर अभी हम चाहें इंडिया से अभी ट्रेड करके अपने हालात ठीक कर सकते हैं, नहीं दुश्मनी वाला ले आते हैं ये बीच में सारा पाकिस्तान में। मैं आर्मी को उसका एक और भी तो है ना, देखें अब प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट हर बंदे का राइट है, मेरा राइट है, मेरे साथ कोई नाइंसाफी हुई है मैं उस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट करूँ। फ्रांस में भी प्रोटेस्ट हो रहा था, डिफरेंट इंग्लैंड में प्रोटेस्ट होते हैं, हर जगह प्रोटेस्ट होते हैं, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उन प्रोटेस्ट को फिर इसमें अब बलूचिस्तान वाली जहाँ तक बात आती है ना, वो ये आती है कि आप बलूचिस्तान वालों को भी ज़रा मिसहैंडल कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान वालों को आप डील नहीं कर पा रहे, उनको देख नहीं पा रहे, क्वेटा के अलावा पूरे बलूचिस्तान में पुलिस नहीं FC फेर रही होती है, आप उनके राइट्स देंगे उनको डील करेंगे जैसे आप पंजाब के लोगों को डील करते हैं या जैसे उनको उनके राइट्स देंगे? यही तो मसला है, वो यही तो कह रहे हैं कि हमारा मुल्क मदनियात से भरा पड़ा है, आप हमसे मदनियात निकालने के बाद, हमसे हमारे तमाम तर वसाइल लेने के बाद हमें हमारे राइट्स ही नहीं दे रहे हैं, ना एजुकेशन है उन लोगों के पास, वहाँ पे डेवलपमेंट आप देखें, अब हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के हर शहर में आप देख लें कितनी डेवलपमेंट है, बेंगलोरों को देख लें, IT सिटी देख लें, सिलिकॉन वैली देख लें, उन्होंने अपने हर सेक्टर को बड़ा बेहतरीन
किया हुआ है, लेकिन अगर हमारा एक सूबा जिस जो मदनियात से माला माल है अगर हम उसको ही नहीं डेवलप कर पा रहे तो मेरा ख्याल है फिर लाना था हमारे ऊपर। अब जोन सा है एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है अपना फाइनेंस टेक जोन सा बना रहा है, 600 अरब डॉलर उसकी है एस्टिमेटेड जो उस पर लगना है, और हम इधर 2-2 अरब के लिए IMF के पास जा रहे होते हैं, तरले कर रहे होते हैं, किसका कसूर है? अगर देखा जाए हमारा मुल्क मदनियात से भरा पड़ा है, अब हमारे पास रिकॉर्डिक है, हमने उसका क्या किया 96 में जब रिकॉर्डिक हुआ है, अब हमें पता है हमारे पास कितने मिलियन और बिलियन टन्स हमारे पास कॉपर के रिजर्व्स हैं, गोल्ड रिजर्व्स हैं, कोल रिजर्व्स हैं, बट हमने कभी उनको यूज़ करने की कोशिश ही नहीं की। हम इस चीज़ में भी नहीं आ सके कि चलो जो निकाल रहे हैं हम नहीं निकाल सकते, कोई जो हमारे साथ थर्ड पार्टी थर्ड कंट्री निकाल रही है 50-50 ही कर ले, उससे भी हमारे पास इतने रिसोर्स हो जाएंगे कि हमें दोबारा किसी के पास लोन लेने जाना नहीं पड़ेगा हमारे पास। बट अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम है, और अब जो चीज़ गलत है वो ये है कि उनको वो जो ये बात कह रहे ना कि हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए सब चीज़ें, असल में पाकिस्तान बुरा नहीं है, पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे पता लगे को बलोची हैं, बलोची को पता लगे मैं पंजाबी हूँ, वी लव ईच अदर वेरी। बट जहाँ पे बात आती है ना पॉलिटिशियंस की या ये आर्मी जनरल्स की, इन्होंने काम ख़राब करके रखा हुआ। मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा इस चीज़ में कि जनरल्स का कसूर इसलिए क्योंकि बलोचिस्तान में पूरा होल्ड आर्मी का, उधर गवर्नमेंट सुबह की होती है रात को कोई और होती है, हमारे सामने है किसी तरह से सादिक संजरानी, कभी सुबह कुछ होता है रात को वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं, किसी की गवर्नमेंट गिर जाती है किसी की बन जाती है, जिसको चाहते हैं वो करते हैं। क्या लगता है इंडिया क्या बलोचिस्तान के लिए कुछ कर पाएगा, क्योंकि बलोचिस्तान के जो एग्जाइल PM हैं वो चाह रही हैं कि UN में उनके लिए आवाज़ उठाए इंडिया, इंडिया उनकी मदद करे, और इंडिया वो मुल्क है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो प्राइम मिनिस्टर है जिसकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, हमारी तो कोई स्टेटमेंट पर गौर ही नहीं करता कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, लेकिन अगर इंडिया किसी मुद्दे पर बात करता है तो उसको परखा भी जाता है और उस पर अपनी राय भी कायम की जाती है और उसको किसी हद तक माना भी जाता है, तो क्या लगता है क्या इंडिया अब कुछ कर पाएगा? नहीं, अगर देखा जाए पाकिस्तान से अलहदा तो अब आवाम ही नहीं होने देगी, क्योंकि हमने बांग्लादेश अलहदा होते हुए देखा हुआ है, ठीक है, हमारे बड़ों ने देखा, मुझे नहीं लगता हम बलोचिस्तान को भी इस तरह अलहदा होते देखेंगे। आप चीज़ पता क्या, हम फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया को कुछ नहीं कर सकता ना, तो बाकी पूरी दुनिया मिलके भी हमारा कुछ नहीं कर सकती, अगर हम चाहेंगे अलहदा होने देंगे, ये बड़ी क्लियर बात है, अगर हम नहीं चाहेंगे ना तो इंडिया हो अमेरिका हो इंग्लैंड हो या पूरा नेटो UN जो मर्जी हो हमारे साथ कुछ कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हम लोग इटसेल्फ एक न्यूक्लियर स्टेट है, हमें कोई कोई बात कहेगा या कोई चीज़ करेगा, इस मामले में वही बात है ना कि हमारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, हमारी आर्मी के साथ बहुत मसले भी हैं, अगर तो आर्मी हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट भी बहुत ज़्यादा करती है, आज हम बैठे हुए उसकी वजह से बैठे हुए, न्यूक्लियर हमने आर्मी की वजह से अपनी बनाया है, अगर हमारी आर्मी ना होती तो हम न्यूक्लियर स्टेट नहीं बन सकते थे, पर बस मैं कहना ये चारों सिक्योरिटी हमें चाहिए, आर्मी चाहिए हमें, वी नीड आर्मी, पर आर्मी को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, पॉलिटिशियन एक आता है, पहले जो मैंने बात की है, एक पूरी आवाम में से एक बंदा आता है उठ के, आप उसे इस तरह जलील कर रहे हो तो फिर आपकी साइड पे तो हम आएंगे ही, ये कौन सा 1970s या 1992 का ज़माना है कि हम जी सोशल मीडिया नहीं है, हम वही भेड़ बकरियों की तरह जी रहे हैं, इधर अभी कुछ होता है हमें सबसे पहले पता लगता है। सर आपका नाम? मेरा नाम है कमर अब्बास। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा सर, बलूचिस्तान के बारे में आपको क्या राय है, क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान में रहने वाले बलोचियों को उनके तमाम तर राइट्स मिलते हैं? अच्छा देखें ना, पहली बात यह है कि बलूचिस्तान के बारे में क्या जानता हूँ, बलूचिस्तान हमारा सबसे बड़ा सूबा है, और अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे कंफ्लिक्ट रहे हैं, हमारे मिलिट्री के हवाले से देखे जाएँ मकसद, वहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन भी लॉन्च किए गए हैं, और रिसेंटली वहाँ पर बहुत सारे तंजीमें भी एक्टिव हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हवाले, सॉरी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी तो नहीं कह सकता, और जो इस तरह के जो मूवमेंट हैं जो BNP वगैरह हो गए उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, तो ये इस पर मज़ीद डेवलपमेंट भी हो रही है, आजकल प्रोग्रेस भी हो रही है, गवादर के हवाले से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी बड़े शानदार हैं, CPAC के जो रूट्स बनाए गए हैं उससे भी बेहतरी आ रही है, मज़ीद जो लॉ एंड ऑर्डर की और सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ थे जो पहले थे आजकल जो है ना उसकी सूरत हाल वैसे नहीं रही, मेरा ख्याल है कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है पहले की नस्बत, और आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं कि इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी आएगी और मज़ीद जो है ना हालात में बेहतरी भी आएगी, क्योंकि जैसे देखें ना जब लोगों के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती है, रिसोर्सेज बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली दम तोड़ना शुरू हो जाते हैं, एजुकेशन भी वहाँ पर लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है और वहाँ पर रिसोर्सेज भी आ रहे हैं, गवादर के रन करने की वजह से मज़ीद बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर सर
मुझे ये बताएं, अगर ये सब कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, एजुकेशन पर काम हो रहा है, तो फिर बलूचिस्तान ये बार बार बात क्यों कहता हुआ नज़र आता है कि वी आर नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और हमें आज़ादी चाहिए? हाँ, अच्छा देखें, अब अगर मैं ये बात करूँ कि अप टू द मार्क, जिस तरह जो फैसिलिटीज़ आप इस्लामाबाद में हैं या लाहौर में जो बंदा रह रहा है, अगर उसको कंपैरिजन किया जाए बलूचिस्तान के पीपल के साथ, अगर मैं बात करूँ वहाँ पर गवादर में, खुजदार में और उनके जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं, कि वहाँ पर उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं जिस तरह लाहौर में है या जिस तरह के आप कह सकते हैं इस्लामाबाद में है या फिर इस तरह गुजरांवाला में है, तो इस तरह तो वो डेफिनेटली नहीं है। लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं है कि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर प्रोग्रेस नहीं हो रही। वहाँ पर अब देखें, बलूचिस्तान पैकेज रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं, और जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, और इस तरह अगर मैं थोड़ा सा पास्ट की तरफ जाऊँ, तो ये जो 18th अमेंडमेंट हुई थी जिसमें बलूचिस्तान को जो है ना, जो पहले हमारा जो था ना ओवरऑल जो बजट होता था वो एक पॉपुलेशन बेस पे डिवाइड हो रहा था, अब उन्होंने मुख्तलिफ बलूचिस्तान का पोर्शन भी बढ़ा दिया, बैकवर्डनेस कोर्स में ऐड कर दिया, एजुकेशन को ऐड कर दिया, ये एक प्लस चीज़ है। इसी तरह अगर मैं CSS की बात करूँ, तो वहाँ पर पहले जो, अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं तो आप 28 की एज में आप एक्सपायरी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान से हैं वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, 2-3 साल और मज़ीद आपको इजाफे हो जाते हैं। आप देखें ना, अगर आप पोटेंशियल है आप में, इफ़ यू कैन वर्क, इफ़ यू कैन रीड एंड इफ़ यू कैन एफोर्ड, तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक ज़िम्मेदार सिटीज़न के तौर पर अपने आप मनवा भी सकते हैं और ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर अपने हकूक भी वहाँ पर अदा कर सकते हैं। सर, आपको पता है बलूचिस्तान की एग्जाइल PM जो हैं वो इंडिया पहुँच गई हैं और इंडिया जाकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मदद मांग रही हैं कि UN में उन्हें सपोर्ट किया जाए। क्या कहेंगे आप इस पर कि वो जाकर इंडिया से मदद मांग रही हैं कि UN में हमें सपोर्ट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में उन्हें उनके राइट्स नहीं मिलते? अच्छा देखें, अब इंडिया नरेंद्र मोदी जो है ना, मैं खुद पाकिस्तान में रहता हूँ, नेशनल हूँ, और हमें ये चाहिए, जिस तरह हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, इसी तरह इंडिया को भी चाहिए कि वो अपने इंडिया के बारे में ही सोचे, क्योंकि वहाँ पर अगर देखा जाए ना, वहाँ पर बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो एक्टिव हैं, और इंडिया को, नरेंद्र मोदी को चाहिए कि पहले वहाँ पर अपने आप पे फोकस करे, वहाँ पर अपनी जो मूवमेंट्स हैं उन पे वर्क करें, और जो हो वहाँ पर देखें ना, वहाँ पर ही बहुत सारे तबकात हैं जो कि जिनको राइट्स नहीं मिल रहे। अब देखें वोमेन का जो इशू है वहाँ पर, मणिपुर का जो इशू रिसेंटली हुआ है, तो एक बहुत बड़े सेंसिटिव इशूज़ हैं, और इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पर अपने मसाइल को एड्रेस करें, रेदर दैन कि आप अपने हमसाया मुल्क में जो एक एटॉमिक पावर है, तो एटॉमिक पावर के इंटरनल जो मैटर हैं, बलूचिस्तान हो गया या इस तरह के जो और भी हमारे जो हैं, ये हमारे इंटरनल इश्यूज हैं और इनको हम बेहतर तौर पर एड्रेस कर सकते हैं। हम सर क्यों नहीं कर पा रहे, मुझे ये बताएं, अभी सिर्फ बलूचिस्तान को हमसे मसला नहीं है, आज़ाद कश्मीर को भी हमसे इश्यूज हैं कि उन्हें उनके राइट नहीं मिलते, गिलगित बल्तिस्तान को भी हमसे इश्यूज हैं। देखें, अब देखें ना, ये गलत बात है, स्टांस गलत है कि राइट नहीं मिल रहा है। मैं खुद इस बात का अगेंस्ट हूँ, पर्सनली तौर पर राइट नहीं मिल रहा है। अब देखें ना, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, चीज़ों में बेहतरी आती है। अब अगर आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जी बेहतरी नहीं आ रही, तो फिर मैं उसको आपकी बात को वो करूँगा। मैं तो उन लोगों की बात करी ना, वो लोग कह रहे हैं कि हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, जब वो लोग ये बात कहेंगे तो मैंने भी आपसे वही बात करनी है ना। गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी कहते हैं कि हमारा पानी इस्तेमाल करके बिजली बनाकर पंजाब के मुख्तलिफ सूबों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में दी जाती है, लेकिन हमें वो बिजली नहीं मिलती। आप गिलगित बल्तिस्तान में एजुकेशन देख लें कि कितनी अच्छी है, बलूचिस्तान में आप एजुकेशन का लेवल देख लें, आप सेहत का मेयार देख लें, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर जो रोज़मर्रा के वसाइल हैं वो भी उनको मैसर नहीं है। हाँ नहीं, देखें आपकी बात इस हद तक तो सही है कि देखें ना, जो फैसिलिटीज़ आप बलूचिस्तान में आप डिमांड कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि लाहौर, अब हमारा जो लाइफ पैटर्न है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है, वो लाहौर के कंपैरिजन में आ जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, क्योंकि ये हमेशा रहता है। अगर मैं USA की बात करूँ, वहाँ पर जो एक न्यूयॉर्क में लोग जो रह रहे हैं, इसके अलावा जो वाशिंगटन में रह रहे हैं, उनका अगर लाइफ पैटर्न मैं अगर कंपैरिजन करूँ वहाँ के किसी और स्टेट्स के साथ, तो वो अप टू मार्क नहीं है, उस लेवल के नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हुकूमत इसके लिए कोई कोशिश कर रही है? क्या उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं? क्या उनके लिए कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही? तो हमारा आंसर होगा डेफिनेटली येस, दे आर वर्किंग फॉर द बलूचिस्तान पीपल, दे आर मेकिंग पॉलिसीज फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, एंड दे आर गिविंग डिफरेंट पैकेजेस एंड डिफरेंट
यू कैन से दैट प्लान्स एंड पैकेजेस एंड कोई एक दो बता दें। ये देखें, मैं जिस तरह आपको बात कर रहा हूँ, 18th अमेंडमेंट हुई वहाँ पर, देखें पहले जो ये हुआ था कि जो भी हमारे मुल्क में जो रिसोर्सेज होते थे उसको पॉपुलेशन बेस पे डिवाइड किया जाता था, जिसमें मेजॉरिटी जो 50% है वो पंजाब ले जाता था और बाकी 50% बाकी सूबे में जाते थे। अब इन्होंने इसको मजीद पॉपुलेशन की बजाय में 18th अमेंडमेंट में इसको चेंज कर दिया है। अब इन्होंने इसमें मजीद बैकवर्डनेस ऐड कर दी है, इसमें लिटरेसी रेट ऐड कर दी और भी मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऐड करके वो अब जो रिसोर्सेज है उनको, जो हमारे पास इनकम जनरेट होती है उसको इक्वली तौर पर तकसीम कर रहे होते हैं, नंबर वन। नंबर दूसरी बात है, आप देखें जो मोटरवे के प्रोजेक्ट हैं, मोटरवे के प्रोजेक्ट जो हैं ना सिर्फ पंजाब में लॉन्च किए गए हैं बल्कि उधर बलूचिस्तान में भी रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे, उन्होंने ग्वादर से लेकर ये जो है ना ननकाना साहब, इसको जो मिडल में जो रोड बना था आई थिंक M14 है, उसको कनेक्टिंग के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, ये भी एक आप कह सकती हैं कि अच्छा, मुझे बताएं अब इंडिया क्या करेगा, आपको लगता है कि इंडिया कोई सपोर्ट करेगा उन्हें या हेल्प आउट करेगा उनके लिए? हाँ, अच्छा देखें इसमें ना, मैं इस चीज़ को ना एक पहले तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इसको एड्रेस करना चाहूँगा कि ये जो है ना इंडिया को चाहिए कि इसमें ना इंटरफेरेंस करें, और हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, इंटरनल मैटर्स हैं, और इसको हमें चाहिए कि हम खुद ही इसको एड्रेस करेंगे, और इसका जो भी हाल होगा थ्रू पार्लियामेंट होगा, उनको चाहिए कि वो एक पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक सेटअप में आए, डेमोक्रेटिक सेटअप में आने के बाद अपने राइट्स की डिमांड करें और फेडरल गवर्नमेंट से अपना राइट्स लें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जो यानी पाकिस्तानी अवाम की राय, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।